पर आज की एसक्यूएल सर्वर की क्लास में हम आपके साथ फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शंस, फंक्शन क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में एसक्यूएल फंक्शंस की कुछ एग्जांपल देखे थे। आज चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने टेक स्ट्रिंग और दो कैटेगरी हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम के बारे में। जी हाँ, डेट एंड टाइम के बारे में। जैसे कि यहां अगर मान लीजिए कि हम न्यू क्वेरी में गए और यहां हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी डेटा, और इसको हम यहां से रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इग्नोर। यहाँ पे मुझे IPT.DVO.TA अब यहां सेलेक्ट करना होगा। वो फर्स्ट टाइम रिक्वायर नहीं करता है, तो पूरा पाथ के साथ जाना पड़ता है। उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ डेटा आ गया। अब यहां पे देखिए सिर्फ डेटा आया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ डेटा चाहिए, मैं मुझे ईयरली रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है, तो मुझे इसके लिए कुछ सिलेक्टेड डेटा चाहिए। जैसे कि हमने यहां पे लिखा सिर्फ डेट कॉमा कस्टमर नेम कॉमा हमने सिटी एंड कॉमा हम क्वांटिटी देते हैं। अब इसको रन करेंगे तो देखिए ये आया। अब मुझे यहां पे इसका ईयर अलग करना है। क्या करना है? ईयर अलग करना। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका? ईयर का। ईयर के अंदर में हम सिप अंडरस्कोर डेट रखते हैं और यहां पे एज ए ईयर। अब इसको रन करते हैं, रन करते हैं, देखिए यहां पे इसमें से ईयर को अलग कर। ऐसे ईयर के जगह पे अगर मान लीजिए मुझे मंथ रखना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहां पे मैं दूंगा मंथ और यहां पे हम देंगे मंथ। अब मैं इसको रन करता हूं, रन करते देखेंगे यहां पे मंथ आ जाए। ऐसे मैं यहां पे दूंगा डे, पेस्ट करता हूं, यहां पे हमारा आता है डे और यहां पे हम ईयर डे फॉर्मूला रखते हैं। अब इसको यहां से रन करते हैं तो यहां पे डे आ मंथ ईयर डे। तो आप जो है जैसे एक्सेल में अलग करते हैं ऐसे यहां पे अलग अलग कर सकते हैं मंथ ईयर डे। मान लीजिए कि मुझे यहां पे चाहिए कि मैं यहां पे करेंट डेट ले सकूं। क्या कर ले सकूं? करेंट डेट। तो करेंट डेट की क्या फॉर्मूला है? तो करेंट डेट के दो फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा है गेट डेट। तो यहां पे अगर मैं करता हूं गेट डेट, तो गेट डेट क्या करेगा? रन, यहां ब्रैकेट ओपन क्लोज रन करता हूं, तो ये आपका करेंट डेट एंड टाइम दोनों देगा। उसी उसी तरह से एक होता है आपका डेट स्पैन, करेंट, सॉरी, हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। तो यहां पे हम कुछ फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। देखिए तीन चार फॉर्मूला मैंने यहां पे बात की है। डेट टिकट, जैसे अगर आपने ईयर ईयर में अपना डेट का कॉलम रखा तो ये आपको देखिए ईयर अलग कर देगा। मंथ, अगर मंथ के अंदर में डेट का फॉर्मूला रख अपना डेट का कॉलम रखते हैं तो मंथ इन द नंबर अलग कर देगा। ऐसे यहाँ पे अगर डे यहाँ पे डे फॉर्मूले में रखते हैं तो डे अलग करेगा। उसके बाद गेट डेट करते हैं तो यहाँ पे डेट एंड टाइम देता है और करेंट टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका करेंट डेट देता है। मतलब डेट और टाइम दोनों लाने का फॉर्मूला है। अब बोले सर ये तो डेट एंड टाइम दोनों आ रहा है, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, डेट चाहिए सॉरी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है
डेट एड अ डेट पार्ट दो फॉर्म में है, इधर देखते हैं। एक मिनट मुझे, हेलो। हाँ सुन रही हूँ, दोनों दोनों। अब मुझे क्या है कि ये जो डेट है ना, इसमें से डेट अलग करना है, सिर्फ डेट। तो क्या डेट का फंक्शन है इसमें? हम डेट डालते हैं तो डेट का कोई फंक्शन नहीं है। डेट DIF है, यहाँ पे डेट नेम है, डेट पार्ट है, डेट है, इज डेट है, शिप है, नहीं इसमें डेट का फॉर्मूला नहीं है। बट मुझे डेट का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या इसमें कुछ सर्च करना पड़ेगा? हेलो। हाँ एक मिनट भैया, मैं बिल्कुल जिंदा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, रुको मत। अच्छा इसमें डेट ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, एज ए डेट कॉन्केट नहीं, डेट फंक्शन वर्क नहीं करता है। अगर मुझे मान लीजिए कि ईयर मंथ डेट के हिसाब से अपना डेट का खुद का डेट फॉर्मेट बनाना है, तो इसमें आपको लगाना होगा फॉर्मूला किसका, कॉन्केट का, ठीक है? कॉन्केट या कॉन्केट W भी आते हैं यहाँ पे, कॉन्केट WS। इसके अंदर हमें क्या डालना है, डैश, सिंगल कोड में मुझे डैश चाहिए।
उसके बाद ये जो आपका ईयर का फॉर्मूला है, ये ईयर का फॉर्मूला डाल दीजिए, यहाँ पे कॉमा, ये मंथ हो गया, सॉरी डे हो गया, ईयर भी डाल सकते हो, यहाँ पे डे डाले से रहेगा, डे कॉमा डैश कॉमा मंथ कॉमा डैश कॉमा डे, डे तो हो गया ईयर, देखो तो सॉरी है हाँ ठीक है, देख सकते हैं आपको यह डेट, इस तरह से ज्वाइन करके डेट बनाइएगा, इसमें एक्सेल डेट को कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अब आरी आती है कि अगर मेरा जो डेट है उस डेट में से कुछ पार्ट अलग करने हैं, तो आपको पार्ट अलग करने हैं तो मैंने डेट मंथ ईयर बताया है, उसके अलावा आप यहां लगा सकते हैं फॉर्मूला डेट पार्ट का, डेट पार्ट, डेट पार्ट में मुझे आप यहां पे पहले देना होगा आपको इन डेट इंटरवल, सॉरी क्या अलग करना हो, तो हमने बोला कि मुझे इसमें से ईयर अलग करना है, तो मैं यहाँ पे ईयर डालूंगा कॉमा इसमें से, तो हमने यहाँ पे बोला कि सिर्फ डेट में से अलग करना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ ईयर अलग होके आ जाएगा, या ईयर ईयर के जगह पे यहाँ पे आप मंथ करें तो आपका मंथ अलग होके आ जाएगा, मतलब अगर डे मंथ ईयर जो अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं उसके जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ मंथ दे सकते हैं, डेट से दे सकते हैं, उसके बाद डे दे सकते हैं, वीक दे सकते हैं, वीक डे दे सकते हैं, आवर मिनट सेकेंड मिली सेकेंड सब यहाँ दे सकते हैं डेट पार्ट। उसी तरह से अगर किसी डेट में ऐड करना है तो यहाँ पे आता है डेट ऐड, डेट ऐड के लिए सेम आपको यहाँ पे अपना इंटरवल डालना होगा, जो आपका इंटरवल है कितना ऐड करना है, तो मुझे मान लीजिए ईयर ऐड करना है, कितना ईयर, तो 2 साल, किसमें करना है, तो हमने बोला कि सिर्फ डेट के अंदर करना है, तो ये क्या करेगा आपको ईयर जो है डाल देगा यहाँ पे, देख ईयर डाल दिया, ईयर ऐड कर देगा, तो दैट यहाँ करता, जब आप ऐड कर रहे हैं तो डिफरेंस भी निकालना होगा क्या, तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है डेट डी आई एफ, डेट डी आई एफ, जो दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है, तो यहां पे कैसे लगाएंगे, चलिए यहां पे कॉमा करके नीचे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे आप लगाइए फॉर्मूला डेट डी आई एफ और यहां पे दीजिए इंटरवल कि क्या अलग करना है, हमें मुझे ईयर अलग करना है किस में से, डेट वन, तो डेट वन ने हमें बोल दे दिया सिर्फ डेट, सिर्फ डेट, और डेट टू में हमने यहाँ पे करेंट सिस्टम डेट चाहिए, तो करंट सिस्टम डेट के लिए मैंने यहाँ पे एक करेंट डेट था, एक गेट गेट ऐड भी था, तो गेट गेट डेट में ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा डी आई एफ में एफ डबल टाइम है, ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं, ये देखिए ईयर आ गया, अब मैं यहाँ ईयर की जगह पे मंथ करूंगा तो मंथ अलग कर देगा, क्वार्टर करूंगा क्वार्टर अलग कर देगा, वीक आवर मिनट सेकेंड यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, दो डेट के बीच में आपका डेट अलग कर देगा, अब एक आता है डेट नेम, जैसे हमने अभी मंथ का फॉर्मूला लगाया तो मंथ तो 1 2 3 दे रहा है ना,
मुझे मार्च अप्रैल मई इस तरह से चार निकालना है, तो आता है फॉर्मूला डेट नेम का। डेट नेम का फॉर्मूला लगाइए, यहां पे मैंने दिया फॉर्मूला कि मुझे इसमें से मंथ अलग करना है, मंथ किसमें से, तो शिव डेट में से। अब मैं इसको रन करता हूं, तो यहां देखिए मंथ एज ए नंबर में आएगा, इसमें आएगा मंथ एज ए नंबर। ओके यहां पे सेम मंथ वीक वीक डे आवर मिनट सेकेंड सब डाल सकते हैं। तो डेट फॉर्मूले में समझ में आया, तो इस एसक्यूएल के अंदर इतने ही डेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब डेट फंक्शन के बाद हम आगे चलते हैं अगली क्लास में। अब कुछ छोटे मोटे फंक्शंस है, जैसे केस, ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस है, जैसे हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, उसको एक बार रन करते हैं। और डेटा को री अच्छा डेटा कैपिटल में लिख के रीड करेगा, नहीं मुझे इसमें देना ही पड़ेगा IPT.DBO.A रन दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस का। केस से पहले हमें लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में जानना होगा, इसको बोलते हैं IIFP, ठीक है। तो चलिए इसमें हम IIF के बारे में जानते हैं। यहां पे मैं स्टोर लिखता हूं, स्टोर एंड क्वांटिटी। अब यहां से रन रन करते हैं, तो स्टोर से क्वांटिटी आ, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं IIF के बारे में। अब मुझे इसमें क्या करना है कि कंडीशन देना है कि अगर यहां पे इंसेंटिव का एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं, तो यहां हमने कॉमा दिया और हमने लगाया IIF फॉर्मूला। IIF फॉर्मूले के अंदर हमने दिया कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, ऐसा हुआ तो यहां पे 50,000 शो करो, अदरवाइज 500 सॉरी 1,000 करो, 1,000 शो करो अदरवाइज 0 शो करो। अब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां 50 से ऊपर है वहां वहां 1,000 आ गया, जैसे कि एक्सेल फॉर्मूले होते हैं ना बिल्कुल इसी तरह से। अरे तो ऊपर समझे। IIF क्या करता है, एक कंडीशन अप्लाई करता है। अगर मल्टीपल कंडीशन हुए तो जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप एक और फॉर्म यहाँ लगाते हैं IIF और बोलते हैं कि अगर क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80 है तो 800, नहीं तो 200 एंड कॉमा नहीं तो 100, दो IIF लग गया इसमें, ठीक है। तो एक IIF चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो यहां मैं नीचे दे देता हूं, तो ए वाला IIF को फॉलो करेगा और नहीं तो ये रिजल्ट दे देगा, देखिए ठीक है। जो 50 80 से 50 से नीचे उसको 100 मिला है, जो 80 से ऊपर था उसको 200 मिला है, देखिए यहां समझे। तो इस तरह से आप मल्टीपल IIF को लगा सकते हैं, मल्टीपल IIF को लगा सकते समझे। अब आता है आपका केस, केस भी सिमिलर उसी तरह का है। तो केस के लिए हम एक और ये निकालते, एक और यहाँ पे करते हैं, इसी को करते हैं।
अब यहां हम स्टोर चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। अब यहां पे लिखते हैं केस, क्या लिखते हैं केस। केस में देते हैं कि व्हेन व्हेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 देन 500। ठीक है, फिर एल्स, एल्स में मैंने दे दिया 100 और यहां पे एंड कर दिया। यहां पे कॉमा देना भूल गया था ना। ठीक है, अब यहां पे हम इसको एक्सक्यूट करेंगे तो देखिए आया नो कॉलम एज है, यहां पे लिख दीजिए एज ए आई एन सी, तो कॉलम नेम जनरेट हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि आपको स्लैब वगैरह उसमें फायदा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं यहां पे कि अगर लेस देन 40 हुआ तो मुझे 500 देना है, 500 देना है। ठीक है, फिर नीचे लिखता हूं व्हेन क्वांटिटी, सॉरी व्हेन क्वांटिटी इज लेस देन 80 देन 1000, व्हेन क्वांटिटी इज लेस देन 100 देन 2000, व्हेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100 देन 5000। अच्छा इसमें ओके एल्स जीरो। तो इस तरह के जब मल्टीपल कंडीशंस होगा तो वहां पे आईआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यहां में मल्टीपल्स कॉमा ब्रैकेट ब्रैकेट का जंगल झंझट हो जाता है, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। समझे, तो केस और इफ दोनों समझ में आ गया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया। देखिए यहां सिंपल सा कंडीशन लगाया कि केस व्हेन कंडीशन वन, यह हुआ कंडीशन वन कि व्हेन क्वांटिटी के 40 हो तो 500 शो करे, फिर कंडीशन टू व्हेन अगेन लेस देन 80 है तो 1000 शो करे, व्हेन कंडीशन थ्री में 100 है, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंडीशन आप देते चले जाएगा कि क्या वैल्यू हो तो क्या दिखे, वन बाय वन फॉलो करेगा। अगर इसको 40 से नीचे आया ना इसको 100 कर देगा, इस सबको इग्नोर कर देगा। ओके समझ में आया, तो इसका यूज हम करते हैं। आई एफ समझ में आ गया, केस भी समझ में आ गया, तो और दिक्कत ठीक तो फंक्शंस एसक्यूएल के फंक्शन में इतना ही काफी होता है, इसके आगे कभी कभी छोटे मोटे फंक्शंस है जिसका जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम चेक करना चाहते हैं कि यहां पे हम लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा IPT डॉट DBO डॉट डेटा। अब इसमें मान लीजिए सिलेक्ट करना है कि डेट जो है डेट फंक्शन में है या नहीं, डेट डेट फंक्शन में है या नहीं है जो चेक करना है, तो यहां पे लगा दीजिए इज डेट का फॉर्मूला, इज डेट के अंदर में मैंने अपना डेट सिलेक्ट कर दिया। अब रन कीजिए, रिजल्ट यहाँ पे 1 या 0 में आएगा, अगर डेट नहीं हुआ तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। ये जस्ट आपको दिखाता है। उसी तरह से मुझे चेक करना है कि मेरा क्वांटिटी नंबर में है या नहीं है, तो यहाँ पे इज न्यूमेरिक के अंदर में हमने अपनी क्वांटिटी ले लिया, ये भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में मतलब 0 या 1 में देगा। तो कई बार क्या होता है कि हम सम वगैरह का फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा जो क्वांटिटी जो कॉलम्स होते हैं वो नंबर नहीं होता है, तो उसे हम इस कंडीशन लगाते हैं कि अगर नंबर हुआ तो सम करना, नहीं तो सम नहीं करना।
इस केस में। दूसरा बात, हम ये जानना चाहते हैं जब कोई डेटा अगर इंपोर्ट कर रहा है तो मुझे ये भी पता करना है कौन सा यूजर इंपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में यहां पे हम लिख देते हैं क्या, सिस्टम नेम, सिस्टम यूजर कर देते हैं, सिस्टम यूजर। यहां पे जैसे ही रन होगा ये बता देगा किसने यूज किया है, सिस्टम यूजर। या फिर हम यहां पे देते हैं यूजर नेम। तो एक सिस्टम में बहुत सारे होते हैं ना, तो यूजर नेम कर देते हैं यहां पे। यूजर नेम क्या बताता है, नेम। यूजर नेम एक तो यूजर नेम इस पर काम तो नहीं कर रहा, एक मिनट। अच्छा ब्राइट ओपन क्लोज तो भूल ही गया ना, यहाँ पे तो यहाँ देखिए यूजर नेम आता है। यूजर नेम में मैं यहाँ पे 12 डालूंगा, वो डीबीओ आ रहा है, डेटा टाइप होता है। अगर 12 डाल दिया तो यहाँ पे एक्सक्यूट आएगा नल, है। अच्छा इसमें नंबर देना होता है, 1 करता हूं तो आता है डीबीओ, 2 करूंगा तो आएगा गेस्ट, ये एज ए गेस्ट है। 3 करता हूं तो आएगा पूरा इंफॉर्मेशन स्कीमा, एंड 4 करता हूं तो ये आएगा आपका SYS। 5 करता हूं, अच्छा ये जो यूजर्स हैं हमारे पास यूजर्स की लिस्ट देता है, कौन सा यूजर है ओके ये छोटे मोटे फंक्शन है वो खास इसके यूज होते हैं। समझ गए, ये थी हमारी SQL फंक्शन।